तो हे गाइस वेलकम टू माय चैनल, दिस इज यश अग्रवाल। तो यार आज मैं करने जा रहा हूं बैक वर्कआउट विद रेजिस्टेंस रो। यार रेजिस्टेंस रो आपको इजीली Amazon Flipkart वगैरह पे अप्रॉक्स 250-300 rupees की या और भी कोई स्पोर्ट्स साइट्स पे आपको 200-300 rupees की 400 तक की भी आती है अच्छी क्वालिटी की, वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर पे रहो, सेफ रहो। और इसके साथ यार आज मैं करने जा रहा हूं बैक वर्कआउट विद रेजिस्टेंस रो। तो गाइस जो मेरी पहली एक्सरसाइज रहेगी बैक वर्कआउट की, यार वो रहेगी हमारी नॉर्मल जैसे जिम में पुल डाउन मारते हैं वैसे मैं मारूंगा इससे पुल डाउन। मेरी एक्सरसाइज है पुल डाउन, तो वो है नेवस में ये होता है रेसल रोप, इसको आप कहीं भी डोर पे इजीली ऐसे प्रैक्टिस करके अभी कहीं नहीं जाते। तो गाइस सबसे पहले रेजिस्टेंस रोप की यार तीन क्वालिटी मारनी है, लो, मीडियम, हाई। तो अपना जैसे आपका जैसे इंटरमीडिएट हो तो मीडियम आपके लिए सही है, अगर आप बिगनर हो तो लो लेवल वाली आप ये लेना। तो उस हिसाब से अपने हिसाब से आप रेजिस्टेंस रोप चूज करना। उसके साथ यार जो हमारी पुल डाउन है नॉर्मल हमें इस पोजिशन में लेटना है, हाथ को अपने बिल्कुल टाइट रखना है, स्लोली लेके आना फील करके, क्योंकि ज्यादा वेट नहीं है हमारे पास, तो स्लोली फील करके लेके आना। बस बैक स्ट्रेट पॉज स्लोली होल्ड टू होल्ड थ्री होल्ड फोर होल्ड फाइव। तो गाइस ये थी हमारी बैक पुली। तो यार इसमें हमें 3 से 4 सेट लगाना है, पहला सेट पंप, बाकी 3 सेट रैप अकॉर्डिंग लगाना है, 20, 18, 15 हमारे ये अप्रॉक्सीमेटली रैप्स रहेंगे। और इसके साथ साथ यार सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं जो कि है हमारी जिसे हम रोइंग मारते हैं जिम में, मशीन पे बैठ के रोइंग मारते हैं वैसे ही अब इससे हम रोइंग मारेंगे। तो सेम हमें इसे डोर जैसे यहाँ से हटा के अपने लेवल के बैक के अकॉर्डिंगली सेम पोजीशन में इसमें बैठना है। अब यार मेरे को बहुत फोर्स लग रहा है, मेरे को थोड़ा सा पीछे जाता हूं इसमें, ये बैक स्ट्रेट पॉज थ्री, हल्का सा पीछे लाओ तो होल्ड 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 होल्ड। तो गाइस ये हमारी रही सेकेंड एक्सरसाइज रोइंग, और इसके बाद चलते हैं थर्ड एक्सरसाइज की तरफ जो कि है हमारी सिंगल हैंड पुश डाउन, और ये हमारे बेस के लिए होती है। और जो रोइंग थी वो है हमारे लोअर बैक के लिए, और जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज जो मैं करने जा रहा हूँ वो है हमारी सिंगल हैंड पुश डाउन। सेम मैं जैसे मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में लगाया था इससे ऊपर, सेम इसमें भी लगाऊंगा मैं रोइंग पुश डाउन सिंगल हैंड में, एक हाथ से पकड़ लूं जितना आपको उसका हो चाहिए। तो इस वन टू पूरा ऊपर छोड़ना है स्लोली, पंच चला के होल्ड, यहां पर होल्ड करना है स्लोली होल्ड स्लोली होल्ड स्लोली होल्ड। तो गाइज ये ही थी हमारी थर्ड एक्सरसाइज सिंगल हैंड पुश डाउन, और इसके बाद यार फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं जो कि है हमारी यार लोअर बैक के लिए और मिड बैक के लिए। इसे मैं नीचे लगा लेता हूँ, स्लोली होल्ड 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 स्लोली होल्
तो गाइस ये थी हमारी फोर्थ एक्सरसाइज, जब बाबर रो मारते हैं हम इसे अब स्ट्रेचिंग रोप से रेजिस्टेंस रोप से रो मारेंगे फॉर लोअर बैक। और इसके बाद जो हमारी पांचवी एक्सरसाइज रहेगी, पांचवी और लास्ट एक्सरसाइज, वो रहेगी लोअर बैक के लिए, जिसे हमें क्या करना है, उसमें रेजिस्टेंस रोप का कुछ काम नहीं है, हमें नॉर्मली जमीन पे ऐसे लेट करनी, बॉडी को स्ट्रेट करके और यहाँ पे लोअर बैक पे इस जगह फोकस आएगा, अपने हाथ ऐसे ऊपर की तरफ अपनी बॉडी को पुश करना है। होल्ड होल्ड गाइस, ये थी आज के हमारे बैक वर्कआउट। और इसके बाद यार अगर आपके पास जगह हो, घर में कोई बार हो या कोई घर का डोर वगैरह हो, वहाँ पे आप जहाँ पे चिनअप्स मार सकते हो, तो रोज यार वार्म अप से वर्कआउट से पहले चिनअप्स मारो, तीन से चार सेट आप पुशअप्स मारो और थोड़ी से 10 से 15 मिनट अपनी बॉडी को पहले पंप और स्ट्रेच करा करो। पंपिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी मसल को बिल्ड करने में। और इसके साथ साथ जब भी जोन सी मसल की एक्सरसाइज करो, बैक चेस्ट बाइसेप्स, उस मसल को स्ट्रेच करना मत भूलो। जब बैक वर्कआउट आज हमने करा है तो पहले 3 सेट हम चिनअप्स मारेंगे, फिर 3 से 4 बार अपनी बैक पर से स्ट्रेच करेंगे, जो भी हमारी बैक की एक्सरसाइज है उससे स्ट्रेच करो, तब एक वर्कआउट शुरू करो। ये था आज का हमारा बैक वर्कआउट विद रेजिस्टेंस रो। तो गाइस यार जल्दी से कमेंट करके बताओ कि और कैसी कौन कौन सी ऐसी होम वर्कआउट वीडियोज आप देखना चाहते हो। और इसके साथ साथ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को अगर आपको पसंद आई वीडियो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में, और कमेंट करके बताना यार कंटेंट कैसा लगा है, वीडियो कैसी लगी है। और इसके साथ साथ इंस्टाग्राम मेंशन कर दिया मैंने, @IM_YASH, जाओ सपोर्ट करो यार, शेयर करो, और इसके साथ साथ यार सपोर्ट करते रहो, लव यू ऑल।